अरे तुम भी यार, कहाँ से कहाँ ले जाता है। इतना बढ़िया वीडियो चल रहा था, कम से कम देखने के लिए देना था। अरे यार, तुम्हारा वीडियो आज तक देखेंगे नहीं। अरे यार, तू भी थोड़ा सा रुक जाए यार। दोस्तों, आज का नया वीडियो के लिए आप लोग को सभी को स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से आप लोग को देखने वाला भेरी नाक जहाँ से निकाला हुआ है झेलम। सामने आप लोगों को जो टनल दिखाई दे रहा है, ये टनल का नाम क्या है पहले बताओ आप लोग। ये टनल का नाम हो गया बोनिहाल काजीकोन टनल। आप लोग सामने देख सकते हैं, श्रीनगर का सबसे लंबा ये वाला टनल पार हो जाने के बाद ही आप लोग को आ जाएगा भेड़ी नाक जाने का रास्ता। इसलिए आप लोग को ये वाला टनल भी दिखा दिया हूँ, वो आप लोग को रास्ता तो अलग से एक वीडियो बना देंगे। ये टनल पार हो जाने के बाद यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास भेड़ी नाक पड़ता है। आप लोग सामने देख सकते हैं, यही हो गया भेड़ी नाक। आप लोग सामने देखिए, ये हो गया श्रीनगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन। अनंतनाग से 26 किलोमीटर दूर पे, अनंतनाग से 26 किलोमीटर दूर पड़ता है और श्रीनगर से 78 किलोमीटर की दूर पे श्रीनगर का सबसे खूबसूरत लोकेशन जिसको बोला जाता है भेड़ी नाक। आप लोग सामने देख सकता है, ये भेड़ी नाक का नर्सरी टाइप में बना हुआ है। सामने आप लोग को जो पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी कहाँ से निकला मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पानी जमीन का नीचे से निकाला हुआ है जहाँ से बहता है नदी। इस नदी का नाम है झेलम नदी। पानी का धार से आप लोग को पता लग ही गया होगा पानी का स्पीड कितना होगा। जो पानी का धार है उसका स्पीड कितना होगा आप लोग सोच लीजिए। मतलब जहां से बह के जाके एक नदी बहता है, आप लोग सोच लीजिए। सामने आप लोग को जो सुरंग टाइप का दिखाई दे रहा है, इस सुरंग से डेली पानी निकाल रहा है। इस पानी से एक नदी बनता है जिस नदी का नाम है झेलम नदी। हम लोग जब श्रीनगर घूमने के लिए आते हैं, श्रीनगर का अच्छा अच्छा लोकेशन हम लोग कभी देखता ही नहीं है कि नहीं बताओ। आप लोग भी कभी भी घूमने के लिए आता होगा कि तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत कम आदमी ये सब चीज़ देखने के लिए आता है क्योंकि दूर पड़ता है। कि तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, खास करके यही सब चीज़ देखने वाला चीज़ होता है जो कि हिस्टोरिकल चीज़ है। आप लोग देखिए, जहाँ से पानी निकाला है वहाँ से जाके एक नदी बन के जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, इतना बढ़िया लोकेशन है। मैं जब गया ना, मेरा दिल खुश हो गया यार, कसम से। मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है यही सब चीज़ देखने के लिए। है दोस्तों, मेरा नाम देवजीत लिगरा है, मैं आसाम का हूँ, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हो तो आप लोग थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आसामीस आदमी हो। जब से जन्म हुआ तब से आसामीस ही बोल रहा हूँ और हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो गलती हो गए। आपका मैं वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त ला रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोग देख लीजिए। मतलब मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो 2-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए आज के लिए वीडियो को इतना में ख़त्म करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिए, जो अपकमिंग वीडियो है वो देखना ना भूलिए क्योंकि जहाँ से पानी निकला है वो आप लोग को अपकमिंग वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आज के लिए वीडियो को इतना में ख़त्म करते हैं। जय हिंद।